हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। सो अभी मेरा कोई मूड वूड नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं वगैरह कुछ भी करूं। नहीं, तुम चला लो अपनी रील्स, बंद करो, बता वीडियो बना रहा हूं, रील्स खोल ले। बोला क्यों भाई, हरकतें देख रहे हो इसकी? रील्स इंपॉर्टेंट है गाइस, रील्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, पर मैं इतना बोर हो रहा था, मैंने कहा यार चलो सेकंड व्लॉग स्टार्ट करते हैं वगैरह जो भी है ना। पहला व्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ है, सही है, क्योंकि हमने इनको मैनेजर बनाया था अपना, सही है। और ये हमारे मैनेजर इतने प्यारे हैं कि ये कह रहे हैं अब भाई कर लेंगे एडिट, क्या हो गया, ये अपने काम में लगे हुए हैं, कह रहे हैं मैं अपनी यहाँ जॉब पर अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अरसल भाई काम करेंगे, तुम अपना काम खुद करो। तो मैनेजर क्यों बने हो मेरे पर? किस बात के मैनेजर हो भाई साहब? आपको एक बात बताऊं, 50% पैसे लेगा जब मेरे यूट्यूब से पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अभी से देना स्टार्ट करो ना। अभी से तो अभी मुझे नहीं मिलने, तो ये क्या देना स्टार्ट करूं? मेरे को भी दो गाइस, क्या दो? मेरे को भी पैसे चाहिए, ये पड़ेगा, ये आई नीड मनी। देख रहो पहला व्लॉग कर लिया, मतलब ये होता है ना यार एडिट कर दो, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो दिखी है तो मुझे ये होना कि यार किस तरह की वीडियो बनी वगैरह, तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं और वीडियो बनाऊँ, किस तरह की बनाऊँ, मुझे देख के थोड़ा समझ भी आया। पर ये लोग एडिट ही नहीं कर रहे मेरे लिए, इनको मैनेजर बनाया हुआ है मैंने, अब जब मैं फेमस हो जाऊँगा फिर ये लोग जब मेरे पास आएंगे कि चलो अब दे दो पैसे वगैरह, उस वक्त मैं इनको रुलाऊँगा, अच्छा लगेगा। अभी मुझे रुला रहे हैं एडिट के, एडिटिंग के वक्त पे। भाई इसका चैनल है, इसका चैनल। आइए, समझ आवाज आ रही है इधर? बिजी है वो भाई साहब, चुप हो जाओ। भाई इसका चैनल है, इसको खुद सीखना चाहिए, खुद एडिटिंग करे, हम क्यों करें भाई। देखो मैं एडिटिंग भी कर लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, सही है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं अच्छा अच्छा खुद ही अकेला अकेला फेमस हूँ, मतलब जब पैसे कमाने लगूँ वगैरह जो भी हो ना तो खुद ही रखूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने भाइयों को भी दूँ, चुके ना एक होता है ना अच्छा ही लगता है, मैं इतने सारे पैसे हूँ, ये गरीब का बच्चा मेरे साहब यही बोलते रहता है 7-Eleven से मुझे चॉकलेट दिला दो, अपना कार्ड दे दो, मैं अपनी चीज़ें ले लूँ, आइसक्रीम खा लूँ, पैसे दे दूंगा कि खुद ही खा लिया करे, हमारा दिमाग ख़राब करता है। चलो भाई अभी कोशिश करेंगे, अभी मैंने ऐसे थोड़ा बहुत खोल लिया था ऐसे ही मजाक मजाक में, चलो अच्छी बात है स्टार्ट हो गया सेकंड व्लॉग। अब सैरी में मैं कोशिश करूंगा इस बार सैरी में कंटिन्यू करूँ, सैरी वगैरह भी दिखाऊँ, और कोशिश करेंगे कि अब्बू को भी लेंगे और अब्बू से एक दो शायरियाँ सुनने की कोशिश करेंगे, मेरे अब्बू फुल शायरी सुनाते हैं टाइड वाली ना, तो अब्बू से भी कोशिश करेंगे अगर अब्बू मूड में हुए सैरी के टाइम पर तो अब्बू से भी एक दो शायरी वगैरह सुनेंगे, सही है। चलो फिर मिलते हैं सैरी के टाइम पर। A few moments later. यार तो अभी हम मेरे छोटे ने जिद करी थी कि यार इसको स्नैक्स वगैरह कुछ चीज़ वगैरह लेनी है, इसको रात में भूख लगने लगती है, मेन तो आइसक्रीम, नहीं आइसक्रीम लेनी है वगैरह, तो हम लोग 7-Eleven आ गए। 7-Eleven से मैंने कहा इसको यार चलो चीज़ वगैरह दिला दें जो भी इसको चाहिए, क्योंकि वरना रोते रहता है रात भर, दिमाग खराब पड़ते रहता है कि भाई मुझे दिला दो, भूख लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, तो देखते हैं वगैरह क्या सीन है वगैरह, अभी अंदर जाके कि क्या चीज़ें ये लेता है वगैरह, कितने पैसों की मेरी ठुकवा देता है। और चूंकि इसने मुझे बोला था मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, और जब हम बाहर निकले तो कह रहा है मैं पैसे लाना भूल गया होते हैं भाई, क्योंकि मुझे दिस इज कॉल्ड ट्रिक। चलो अंदर, अंदर आ गए। क्या चाहिए? पहले हम लोगों को लेनी है आइसक्रीम, तो सबसे पहले सबसे एंड में लेना है ना, बाकी और चीजें देख लो। पॉइंट अच्छा, चलो कुछ तो आइडिया दिया। हाँ चलो काम का, सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रिंगल्स बस। ये चीजें लेनी होती हैं इसको पागल को, इसलिए लेके आता है ये। गाइस मिट्सुबिशी चॉकलेट नहीं है ना, वो भी ले लेता हूं। और तो ले हम ये ले लो बस, चलो बस बाकी आइसक्रीम यार मुझे भी तो कुछ ले लूँ मैं जब आई हूँ, तो क्या करूँगा तुम लेके, इतने टाइम बाद आया हूँ मैं, वैसे तो पैसे दे रहा हूँ तुम अपने लिए नहीं ले सकता? क्या लिया है यार? गाइस सब छोड़ो, गाइस को ये दिखाओ, गाइस प्राइम। क्या होगा इसको देख के गाइस को पागल हो जाएंगे गाइस? ओह प्राइम, प्राइम इतनी महंगी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, महंगी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो ये आप ले क्यों रहे हो, यहाँ पे भी महंगी है। ये M&M चॉकलेट में चाहिए मुझे, चॉकलेट में होती है बहुत अच्छी है, ये वनीला फ्लेवर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती M&M की चॉकलेट, तो चॉकलेट बोल रहा है इसकी, नहीं चॉकलेट, ये बंद करो, तुम ये तो नहीं खाओगे ना? क्या चीज? दो ले लो, एक मैं खा लूंगा। नहीं फिर मैं अपने लिए दो ले रहा हूं। नहीं नहीं दो ले लो बस, एक मैं खाऊंगा एक आप, नहीं नहीं तीन नहीं, दो ले लो बस, नहीं नहीं अली नहीं नहीं पागल हो, तो एक खा लेना, ये बहुत बढ़िया है, नहीं 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 वैसी बहुत सारी चीजें ले लो, पागल नहीं बनो,
इतना पैसा नहीं है अभी, पहले YouTube से पैसे कमाने दो मुझे। क्या हो गया, ये भी नहीं दिलाऊंगा, सारी चीज़ें रखवा दूंगा। नहीं बस दो बात है, मैं आधी खाऊंगा आधी मेरी भी ले लेना भूखे नंगे। चलो बस हो गया सब, चलो भाई यहाँ पे बिलिंग करा लेते हैं। ये लो वॉलेट पकड़ो, मेरा कार्ड निकालो। कैसे? नहीं यहाँ से अंदर वाला, ये यस फिफ्टेड वाला। बिल तो चेक करें कितना हो रहा है। टैप कर देते सिर्फ। इसको मेरा पिन नहीं पता है, पिंच पा लेता हम लोग से। आपको पता था मेरा कार्ड चोरी करके चल जाओ, उसके बाद पिन डाल दो। यस ऑलराइट थैंक यू। चलो भाई ये हमारी हो गई है, बाहर धक्का देते हैं, ये भी नहीं पता। चलो भाई गाइस हम लोगों ने कितने का बिल बना, बिल बना है $17 का। तो ये कसम से बता रहा हूँ मैं कभी इसके साथ नहीं आता इस रात में, इतनी सर्दी में फजूल में घर में बैठ के मैं शॉर्ट में बैठा हुआ होता हूँ, इसकी वजह से मैं ट्राउजर का पहना हुडी वापसी पहनी और आया सिर्फ इस वजह से कि यूट्यूब के लिए मेरे से थोड़ी सी क्लिप निकल जाए। और इसमें मुझे लालच भी यही थी कि यूट्यूब की थोड़ी सी क्लिप वगैरह निकल जाएगी, वरना मैं कभी इसके साथ नहीं आता रात में, ये हमेशा यही जिद करते रहता है। एक तो आओ ऊपर से ये पागल होता है, चीज़ें उठाना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोग देख रहे थे, ये मुझे ये दिला दो वो दिला दो, बटन दबाओ भाई। रोड क्रॉस कराने का तरीका है बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप चलते हुए चल जाओ, या बटन प्रेस करो उसके बाद खुद ही वहाँ पे सामने दिखा पाएगा, जैसे वहाँ पे वो स्टॉप का साइन बना हुआ है ना, तो वहाँ पे चलने का आएगा, उसके बाद आप जा सकते हो। जैसे अभी तो अब ये वाला खुलेगा, पहले ये वाला दबा दी तुमने यहाँ का। तुम क्या बना रहे हो? मिनी व्लॉग बना रहा हूँ मैं, शक्ल देखोगे मिनी व्लॉग बनाएंगे ये। एक्सक्यूज मी कार्ड मेरे पास अभी भी। अच्छा सॉरी कार्ड दे दो, कार्ड दे दो सॉरी, बल्कि कर देना कैमरा मैन जी, ब्लर कर देना कार्ड को एडिटर। ओ हाँ भाई चोरी ना कर ले। ये देखो यहाँ पे ये अभी यहाँ पे मुड़ने वालों का आया, अब इसके बाद यहाँ पे वो चलने का आएगा, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। गाइस बेसिकली मैंने चलने का आ गया। चलो भाई गाइस मैंने बेसिकली 7-Eleven का आइडिया इसलिए दिया था, तो कि मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करवाऊँ। क्यों भाई, ये खाना दुनिया में ना बक सकता है। जब ही रो रहा था वहाँ पे दो आइसक्रीम खाऊंगा मैं, दो आइसक्रीम। मैंने कहा आएंगे तो लेते हैं फिर। हाँ तो लेते हैं। चलो भाई फिर अब जब आ गए थोड़ी सी और वीडियो बनेंगे, अब डायरेक्ट सहरी में मिलेंगे, अब इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है बनाने के लिए आज पूरी रात में। रात भी क्या 3-4 घंटे बाद तो सहरी हो जाएगी, तो चलो उसके बाद हम देखते हैं अब सहरी में जो भी होगा ना। यहाँ का दबा दिया, चलो भाई यहाँ चलते हैं। हमारा घर बस ये एक दो गली आ गई है, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर ही है हमारा घर। तो चलो अब हम डायरेक्ट सहरी में मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा सहरी से पहले, अब डायरेक्ट सहरी में मिलते हैं। चलो ओके। हेलो यार, तो मैं अभी सहरी वहरी के लिए उठ गया हूँ, सही है? तो अभी मैं सहरी वहरी कर ली है मैंने बाहर जाके, वैसे भी चूँकि मैं 15-20 मिनट पहले ही उठा था यार सहरी का टाइम करने में, तो अभी 4 मिनट बचे हैं, मैंने अभी पानी वानी पीने अंदर आके, तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या सीन है कि अब्बू को ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने बोला था कि अब्बू से सहरी वहरी लेंगे, डिपेंड करता है अब्बू के मूड पर, क्योंकि अभी तो 4 मिनट बचे हैं, पहले पानी वानी वगैरह सब पी लें वगैरह। भैया आज का मेरा वो शलवार कमीज रखा हुआ है, सही है? ये शलवार कमीज अभी हम पहनेंगे जब स्कूल के लिए रेडी वगैरह हो रहेंगे। अभी मैंने देखा है हल्की सी बर्फबारी भी पड़ी हुई है थोड़ी सी, और 6 बजे के टाइम पे भी अभी थोड़ी बहुत और दिखा रहा, पर उसके बाद नहीं दिखा रहा, शाम में फिर हो तो वो मैंने अभी वेदर चेक किया था, तो अगर बर्फबारी होते हुए दिखे तो बर्फबारी भी दिखाएंगे। और अभी कोशिश करेंगे अभी मैं बाहर जाके मैं भी पानी वानी पी लूँ, उसके बाद अगर अब्बू वगैरह का मूड सही वगैरह हुआ तो फिर अब्बू से एक दो शायरियाँ सुनेंगे और फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे बाद में। ओके यार, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, अभी मैं अब्बू को बोल रहा था यार अब्बू बता दे ब्लॉग वगैरह में आना है नहीं आना, पर अब्बू कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं आ रहे, देखो जाना स्टार्ट हो गए। देख लो ये होता है मेहनत करने वालों की ना, कोई कदर ही नहीं करता। अभी मशहूर हो जाऊँगा ना उसके बाद कहते रहेंगे कि मुझे भी ब्लॉग में ले लो, मुझे भी ब्लॉग में ले लो। अब्बू अभी जाग रहे तो पीछे हो गए। क्या कर रहे हैं, आ जाए यहाँ जल्दी ब्लॉग में, ऑडियंस से मिलने मेरी पे चल जाएगा, ऑडियंस से मिलने यार अब्बू जल्दी। अबे
भाई कपड़े पड़े बदल के शर्मा रहे शर्मा रहे। तो इसी बात पे अर्ज है, कौन कहता है बूढ़े बुढ़िया इश्क नहीं करते, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन पे शक नहीं करते। चलो यार फिर ये आज का छोटा सा अब्बू का इंट्रो था, समझ तो आ गया होगा इससे अब्बू किस टाइप के हमारे फुल VIP चिल टाइप के अब्बू हैं हमारे, सही है। और आहिस्ता आहिस्ता जब ब्लॉग बनते रहेंगे तो अब्बू आते रहेंगे हमारे ब्लॉग में और आपको और भी सब पता चलते रहेगा, सही है। तो अभी सहरी वहरी का टाइम हो गया, सब नमाज वमाज पढ़ने जा रहे हैं और फिर मैं अभी कुछ टाइम बाद जैसी मैं शायद अभी सो जाऊँ नहीं सोऊँ, फिर जब मैं स्कूल वगैरह के लिए रेडी वगैरह होऊंगा तो उस वक्त मिलेंगे। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो गाइस, फाइनली तो हम लोग तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। अभी मैं रेडी वगैरह हो रहा था तो मैंने सोचा रेडी होते हुए क्या ही दिखाएं वगैरह, तो मैंने कहा रेडी हो जाऊँ एक बार वगैरह दिखाता हूँ। और एक और ही बात हुई सहरी के बाद, मैं बर्फबारी का हल्का हल्का बता रहा था, उसके बाद मैं अभी मैंने बाहर रोशनी वगैरह हुई तो मैंने सही से देखा कि बर्फबारी तो भाई अच्छी खासी हुई है। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ बर्फबारी कितनी ज़्यादा हुई है। देखो ये मेरे घर की विंडो से पूरी गाड़ी के ऊपर बर्फबारी आ चुकी है और ये सिर्फ 40% चांस दिखा रहा था कि बर्फबारी होने का, पर अभी रुक गई। और ये सेम चीज़ दिखा रहा है 4-5 बजे की, सही है। ओह माय गॉड, वाओ। तो यार मैं फाइनली घर आ गया हूँ स्कूल से। मैंने मुझे पता है मैंने बोला था कि मैं स्कूल में रिकॉर्ड वगैरह करूँगा, स्कूल की चीज़ें दिखाऊँगा, पर यार सीधे बताऊँ स्कूल में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पर कैमरा खोलूँ क्या रिकॉर्ड करूँ, सही है। क्योंकि यार समझ नहीं आता कहाँ पर कौन सी पीरियड पर खोला जाए वगैरह क्या बनाया जाए, क्योंकि मोस्टली क्लासेस के बाद 5 मिनट होते हैं दूसरी क्लास में जाने के लिए, आप वहाँ जाओ दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाए फ़ोन रख दो तो मैं कहाँ ही फ़ोन खोलूँ। बाकी लंच वगैरह में मुझे इतने सारे लोग होते हैं तो थोड़ा सही फील नहीं कर रहा हो रहा होता कि मैं वहाँ पर बनाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि यार लंच वगैरह में मैं ट्राई करूँ बनाने की। और टू बी ऑनेस्ट मैंने 2-3 ट्राई करी क्लिप्स बनाने की, पर वो मैंने देखी तो वो बहुत ही अजीब लग रही थी तो मैंने एडिटिंग में काट दी वो, सही है। पर अभी मैं दिखाता हूँ, आज बर्फबारी हो गई थी और मतलब यार मार्च में बर्फबारी एकदम से हो गई, अच्छी खासी नॉर्मल अच्छा मौसम चल रहा था एकदम से बर्फबारी यहाँ स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत बर्फबारी दिखा देता हूँ बाहर की। मेरा था कि मैं स्कूल से आते दिखाऊँ पर बर्फबारी इतनी हो रही थी कि मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रहा था। ये हम गेट खोलते हैं यहाँ से देखते हैं बाहर, तो अभी स्टिल हो रही है बर्फबारी और ये मोस्टली 3-4 घंटे चल रही है। सुबह तो गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ़ पूरी जमी हुई थी, इतनी हुई थी रात में और ये सब हुई थी। तो चलो यार फिर देखते हैं, सही है। चलो भाई जो फाइनली आज हम घर पे आ गए, आज हमजा भाई ने हमें बोला कि आज हमजा भाई एक गेम खरीदेगा $20 $20 हम भाई ने उससे मांगे गेम खरीदने के लिए, डिस्काउंट आया हुआ। चलो हमसे कौन सी गेम खरीद रहे हो? मांगे भी तुमसे? हाँ मांगे भी मुझसे। गेम कौन सी खरीदने तो बता दो। Red Dead Redemption। ये भी कुछ होता है क्या? बोल के दिखा दो दोबारा क्या बोला। मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला। रेड आ रेड रेड बेरी रेड रिडेम्पशन। अरे यार कंपनी रिडेम्पशन रिडेम्पशन लंच डिटेंशन डिडक्शन। हेलो खेल क्या रहे तो दिखाओ। देखो भाई अभी हम PS5 ब्रो, सॉरी मैं भूल गया था, आपको लोग को मैं बताना चाहता हूँ हम लोग रिच भी हैं थोड़े से, तो हमारे पास PS5 भी। यार देखो नाम थोड़ा मुश्किल है, हमने नाम पढ़वाए तो लोग खुद पढ़ लेंगे। हाँ हाँ चल रही है नाम रेड रिडेम्पशन रेड रिडेम्पशन। सर वो साउंड थोड़ा मेरा शम गलत निकल जाता है। हाँ टाइम डिलीट कर दो। क्या हुआ? क्रिकेट भी हुआ। अबे भाई मतलब कैमरा इधर ही बोल रहे, ये कह रहे मतलब था। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ क्या बोलूँ, हमें सिखाएंगे व्लॉग करना, अभी कल के बच्चे हमें सिखाएंगे व्लॉग करना। क्रिकेट की भी स्ट्रीम कर सकते हो गाइस, क्रिकेट की स्ट्रीम भी कर सकते हैं, क्रिकेट की भी कर सकते हैं, ये भी है। हमने बाद में क्रिकेट भी खरीदा है। हमारे पास बहुत सारे गेम है यार, PS5 है, PS5 में बहुत सारे गेम है, हम लोग लाइक रिचेस। ये देखो गाइस हम MMM खाते हैं। ये गेम डाउनलोड हो जाए फिर इसका हम आपको इंट्रो वगैरह थोड़ा सा दिखाएंगे किस तरह वगैरह का। क्या हो गया, हट जाओ। इतनी महंगी चॉकलेट खिला रहा हूँ। चलो ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत शुरू का गेम किस टाइप का वगैरह का। मैं क्या दिखाऊंगा, भाई खेल लूंगा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर लूंगा, सही है। सही है।
चलो भाई वैसे भी डाउनलोड देगा उसके बाद मिलते हैं। यार तो एक बैड सीन हो गया है, वो जो गेम मैंने आप लोग को बताया था कि उसका इंट्रो वगैरह थोड़ा खेल के दिखाएंगे एक इस टाइप का गेम है वगैरह, उसका सारा इशू ये हो गया यार, उसके डाउनलोड में थोड़ा इशू वगैरह आ रहा है, तो वो बाद में थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या इशू वगैरह, वो सॉल्व करके उसको देखना पड़ेगा फिर डाउनलोड करेंगे। पर जब भी खेलेंगे वो जो भी मतलब उसका सारा सीन हो जाएगा तो हम लोग उसको दिखाएंगे उस गेम को। अभी अरसल भाई ये अभी ये खेल रहा है, ये रॉकेट लीग नाम है इसका, रॉकेट लीग खेल रहा है, ये गाड़ियों की फुटबॉल है गाड़ियों की फुटबॉल खेल रहा है। अभी देखते हैं थोड़ा सा ये किस टाइप का खेल रहा है। ये देखो कुछ करता है नहीं, पूरी टीम खेलते रहती है, वहीं उछला खुद ही गोल हो गया। टीम गेम है तो कुछ एफर्ट तो डालो अपनी। क्या तो मेरे पास बॉल नहीं थी, मैं डिफेंड बॉल नहीं थी, ये बॉल खिलाती है इतनी बड़ी बॉल। चलो अभी देख लेते हैं क्या करते हैं। चलो एक राउंड आपको पूरा दिखाते हैं, इस पूरे राउंड में क्या होता है। अभी आप ये देखना, ये पूरे उसमें इधर उधर घूमते रहता है, मुश्किल से एक दो बार टच करता है और उसके बाद घूमते रहता है, फिर इसी का अपना गोल हो जाता है मोस्टली। तो ये देखो अभी गोल होने वाला है, इसके पास आ गई, वो बच्चा तो गई, ये गई सामने सामने गई। ये देखो ये देखो, अटैकिंग पे जाओ ना। ये देखो गोल कहाँ पे, मार कहाँ पे रहा है टेढ़ा अबे भाई अरे यार क्या हो रहा है ये। ये देखो आगे पीछे हो जा रहा बस, तो वो भी खेलना है तो तुम अच्छा खेलो ना उनसे। चलो अभी देखते हैं क्या होगा। ये उछलता है, ये इसे और कुछ नहीं करता, अभी देखना आगे जा रहा थोड़ी देर बाद फिर पीछे जा रहा होगा। अभी देख गोल, ये तो इसके टीममेट्स अच्छे हैं तो इसको गोल नहीं बनने दे रहे, इन लोग को बचा लेते हैं। ये देख रहे हो बीच में उछल रहा है, बाकी लोग आगे पीछे खेले। चलो यार तो अब दूसरा गेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम व्लॉग एंड करते हैं। ये रॉकेट लीग वगैरह देख लिया, अगर पसंद आ रहा हो ये वाला गेम तो बताना, इसकी भी थोड़ी बनाएंगे वगैरह किस टाइप को खेलते हैं, फिर मैं भी खेलते हुए दिखाऊंगा कि मैं कैसे खेलता हूँ। ऐसे मुझे मैं इतना खेलता नहीं पर मुझे पता मैं फिर भी इससे ज़्यादा अच्छा खेल लूँगा। क्या वन वी वन, इसमें वन वी वन कैसे खेलें, इसमें होता है वन वी वन? हाँ नहीं तो फिर वन वी वन कैसे खेलेंगे हैं, पता नहीं। चलो देख लेंगे वो इस टाइप का भी कुछ देख लेंगे, अगर ये गेम पसंद आ रहा हुआ तो कमेंट्स में बता देना, तो फिर ये अलग गेम भी ट्राई करेंगे हम लोग। और चलो फिर यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्दी। ओके अल्लाह हाफिज़।